हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कॉलर प्राइड कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। मैं राजविंदर सिंह। तो अज मैं तुहानू करवा रहा क्लास 10th दा चैप्टर 6 ट्राइएंगल्स दी एक्सरसाइज 6.2 दा क्वेश्चन 4th। तो बच्चों, सब तो पहला आपां क्वेश्चन 4th दी स्टेटमेंट नू रीड करांगे। तो क्वेश्चन 4th विच सानू उन्होंने की पुछिया, इन फिगर 6.19 ये जो सानू फिगर दिती ने डायग्राम, उस दे विच सानू डी ई पैरेलल ए सी, डी ई ये लाइन जिहड़ी आ डी ई ये पैरेलल दिती ने ई ए ते सी दे। उस तो नैक्सट एन डी एफ पैरेलल ए सी, डी एफ जो ने ये सानू पैरेलल दिती ने ए ते ई दे है, ठीक है। तो बच्चे अगे प्रूव डैट आपां प्रूव की करना ने, बी ई ओवर एफ ई, बी ई ओवर एफ ई, और नेक्स्ट इज इक्वल टू बी ई, बी ई ओवर ई सी, ई सी, और एक चीज आपां प्रूव करनी है। तो सब तो पहला बच्चों तुहानू मैं दसना चाहना ने कि किसे ट्राइएंगल दे विच जेकर आपां किसे एक लाइन दे पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, तो वह दूसरिया ट्राइएंगल दियां दूसरिया दो साइड्स जिहड़ियां उन्हां नू सेम रेशो दे विच डिवाइड कर दिंदी है। तो यह रूल कितों आया, थेल्स थ्योरम तो। आपां पहला थेल्स थ्योरम कर चुके हैं, जिन्हां ने थेल्स थ्योरम नहीं कीती हैगी वह मेरी थेल्स थ्योरम वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं उस दे विच तुहानू सारा समझाया ने कि जेकर किसी ट्राइएंगल दे विच एक लाइन दे एक लाइन पैरेलल ड्रा कर दिती जाए तो उस दूसरिया दो लाइनों नू सेम रेशो दे विच डिवाइड कर दिंदी ने। इस डायग्राम दे अकॉर्डिंग मैं तुहानू पहला थोड़ा दस दिना समझा दिना ने किवें इह मैं एक ट्राइएंगल ड्रा कीती ए बी सी, मैं इतों एक लाइन ड्रा कर दिना डी ई, ये जी लाइन मैं पैरेलल ड्रा की इस लाइन के, और ये डी ई लाइन ने दूसरिया दो लाइन ए बी और ए सी सेम रेशो बनता, यानी कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ए सी थेल्स थ्योरम का सिद्धांत, जिसनों बी पी टी के नाम नाल भी जाने जाता। इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन सॉल्व करांगे। तो चलो बच्चे इस सॉल्व करते हैं बी पी टी के अकॉर्डिंग किवें। सब तो पहला सॉल्व सानू गिवन, सानू गिवन दे विच की उन्होंने कहा ने डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, टू प्रूव आपां प्रूव की करना बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। हाँ तो बच्चों प्रूफ देखो, बच्चों सब तो पहला आपा जिहड़ी चीज पहले नंबर ते प्रूव करनी है उस वाल ध्यान देना, बी एफ ओवर एफ ई, बी एफ ओवर एफ ई ये चीज आपा प्रूव करनी है। और ये जरा बी एफ और एफ ई ये सानू किस ट्राइएंगल दे आता, ये सानू आता ए बी ई ट्राइएंगल, और जो ए बी ई ट्राइएंगल आ इस दे विच सानू उन्होंने ये देखो डी ए डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई ये चीज सानू जिहड़ी उन्होंने गिवन दिती है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या अकॉर्डिंग टू बी पी टी इस दूसरिया जो
साइज ने ए बी और बी ई इतों तक ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ये ट्राइएंगल एन ई आ जी देखो ए बी ई इस दे डी एफ पैलर ए ई दिता और यह दो इसरियाँ दो साइडा जड़िया ने यह सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रूफ आप करना ने सब तो पहला आप इन ट्राइएंगल ए बी बिकॉज डी एफ पैलर ए ई देखो डी एफ पैलर ए ठीक है ये सानू उन्होंने गिवन आ। तो जे लाइन पैलर आ तो फिर अकॉर्डिंग टू बी पी टी ए बी ओवर डी बी therefore a b over d b is equal to b f over f e b f over f e ta e aaya kitho by b b t is nu apa ek number next अपा की करना ने बी ई ओवर ई सी बी ई ओवर ई सी तो ये किस ट्राइएंगल ए बी सी ये वाले ट्राइएंगल पूरा बनता है। तो ए बी सी ट्राइएंगल से सानू उन्होंने ये चीज डी ई पैलर ए सी तो डी ई पैलर ए सी दे होगी तो फिर ए बी ओवर डी बी बी ई ओवर ई सी ये भी कितों होना अकॉर्डिंग टू बी पी टी। आप इन ट्राइएंगल ए बी सी ए बी सी इस बिकॉज जो सानू दिता डी ई पैलर ए सी देयरफॉर साडे को की आ गया ए डी ओवर डी बी ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी बी ई ओवर ई सी ए भी कितों आप लिखांगे बाय बी पी टी इनू आप सैकेंड इक्वेशन। तो देखो बच्चे हुण फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इतना लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो साढ़े को लैफ्ट हैंड साइड जो बिल्कुल की आ इक्वल आ गए और जे लैफ्ट हैंड साइड इक्वल हो देयरफॉर राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए और राइट हैंड साइड इक्वेशन वन बी एफ ओवर एफ ई और इक्वेशन टू दे विच राइट हैंड साइड बी ई ओवर ई सी तो आप इन्हों किवें लिखांगे बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी तो ये चीज आप प्रूव करनी सी। तो बच्चे ये तुहाडा चैप्टर सिक्स दी एक्सरसाइज 6.2 दा फोर सम सी जिसनू इस तरीके दे नाल सॉल्व करना। तो बच्चे इस नू ध्यान नाल देखना इसकी समझ लग गई और तुहानू ठीक तरीके नाल पता लग गया तो इस वीडियो नू शेयर और लाइक जरूर करना और चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। मैं नैक्सट क्वेश्चन दे विच तुहानू दोबारा मिलना आवांगा। थैंक यू सो मच।